नमस्कार दोस्तों, आज हम आ गए हैं श्रीमद् भगवद गीता की जन्मस्थली ज्योतिसर तीर्थ में और यहाँ पर हम दर्शन करेंगे श्री कृष्ण की विराट प्रतिमा का। ज्योतिसर तीर्थ एक बहुत ही पवित्र तीर्थ स्थल माना जाता है और यह तीर्थ स्थल कुरुक्षेत्र पेहवा रोड पर स्थित है। यही वो धरा है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। ये सरस्वती मंदिर है। ये इस तीर्थ स्थल में एक सरोवर है। ये ज्योतिसर का वो वट वृक्ष है जो आज भी विद्यमान है, जहाँ पर ऐसा माना जाता है कि यहीं पर श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। ये प्रतिमा देख सकते हैं आप, यहाँ एक रथ है जिसमें रथ के सारथी श्री कृष्ण हैं और रथ में अर्जुन विद्यमान हैं। और ये वो प्रतिमा आ गई है जिसके बारे में हम आपसे बात कर रहे थे। ये विशाल प्रतिमा है, अगर हम देखें बहुत ही विशाल प्रतिमा है श्री कृष्ण की। अगर हम बात करें इस प्रतिमा के बारे में, इसका ये जो प्लेटफॉर्म है ये 10 फीट के करीब है और उसके ऊपर ये 40 फीट की श्री कृष्ण की विशाल प्रतिमा यहाँ पर स्थापित की गई है। इस प्रतिमा में अगर आप देखें, इसमें कुल 9 चेहरे आपको नज़र आ रहे हैं, जिसमें श्री कृष्ण जी का चेहरा है, गणेश महाराज का है, ब्रह्मा जी का है, शिव का है, विष्णु के अवतार नरसिंह का है, भगवान परशुराम है, अग्रीव है और अग्निदेव के दर्शन होते हैं इन चेहरों में। इस विराट स्वरूप को श्री कृष्ण ने अर्जुन को दर्शन करवाए थे महाभारत के युद्ध के समय, जब उन्होंने युद्ध को लड़ने से मना कर दिया था। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं इस विराट स्वरूप के दर्शन श्री कृष्ण ने अर्जुन को करवाए थे, अर्जुन को युद्ध लड़ने के लिए प्रेरित करने के लिए। अगर मैं इस प्रतिमा के बारे में आपसे बात करूं, इस प्रतिमा को बनाने में 1 वर्ष का समय लगा है और इस विराट स्वरूप को उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध मूर्तिकार राम सुतार ने 80 कारीगरों की मदद से इसको तैयार किया है और इस प्रतिमा को बनाने के लिए 4 धातुओं का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें 85% तांबा इस्तेमाल किया गया है और 15% बाकी 3 धातु हैं जो इस्तेमाल की गई हैं। इस प्रतिमा की अगर हम बात करें, इसका कुल वज़न 35 टन है और इस प्रतिमा का जो चेहरा है उसका वज़न ही 6 टन है और इसमें अगर आप देखें शेष नाग इन चेहरों के ऊपर है और पूरी प्रतिमा के साथ ये लिपटा हुआ है। यप, आप अच्छी तरह से दर्शन कर सकते हैं श्री कृष्ण के विराट स्वरूप की। अगर हम बात करें इस मूर्ति को यहाँ पर स्थापित करने का मेन उद्देश्य क्या है, मेन उद्देश्य है कि यहाँ पर लोगों को महाभारत के युद्ध के बारे में जो भी बातें हैं लोगों को उसके बारे में बताना और साथ ही साथ ज्योतिसर जैसे पवित्र स्थल को विश्व पटल पर लेकर आना पर्यटन क्षेत्र की दृष्टि से। क्योंकि यहाँ पर हर वर्ष कुरुक्षेत्र में अगर हम बात करें गीता जयंती मनाई जाती है, लाखों पर्यटक यहाँ पर घूमने आते हैं, तो इस क्षेत्र को पर्यटन की दृष्टि से डेवलप करने के लिए यहाँ पर इस मूर्ति की स्थापना हुई है और ताकि यहाँ पर आने वाली पीढ़ी को बताया जा सके कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश क्यों दिया था। अगर आप इसको ध्यान से देखें, यहाँ पर रथ खड़ा है और रथ के साइड में बिल्कुल छोटे आकार में अगर आप देखें अर्जुन बैठे हुए हैं और उनका चेहरा ऊपर की तरफ है। अर्जुन की तस्वीर अगर आप देखें ऊपर की तरफ, वो श्री कृष्ण के विराट स्वरूप का दर्शन कर रहे हैं। तो इस स्वरूप के दर्शन कराने का एकमात्र उद्देश्य यही था कि अर्जुन को महाभारत के युद्ध को लड़ने के लिए प्रेरित करना। तो दोस्तों, आज हमने इस वीडियो में आपको बताया ज्योतिसर तीर्थ के बारे में
यहाँ पर स्थापित की गई श्री कृष्ण की विशाल प्रतिमा के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, और जल्द ही हाजिर होते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।